फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टो स्टोरी। आज हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डायनासोर के बारे में। हम आपको बताएंगे कि डायनासोर कैसे मरे, जब आप ऑफलाइन होते हैं तो गूगल क्रोम पर डायनासोर क्यों दिखाई देता है, डायनासोर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की एक इमेज बन जाती है, और बने भी क्यों ना, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर ही बड़े हुए हैं। आज हम आपको इसी बड़े जानवर के बारे में जानकारी देंगे, जो सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े आदमी भी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऐसा माना गया है कि आज से 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का जन्म हुआ और आज से 6.5 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर की मौत हो गई थी। डायनासोर धरती पर 16 करोड़ साल तक रहे। इंसानों का जीवन इसका केवल 0.1% है। डायनासोर जिस काल में धरती पर जीवित थे उसे मेसोजोइक कहा जाता है। ये इस युग के 3 भागों में जीवित रहे, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटासियस। जब डायनासोर धरती पर जीवित थे उस समय इनकी लगभग 2468 प्रजातियां थी, इनमें से कुछ उड़ती भी थी। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के ड्रेबल लिजार्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने, डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, ये सिर्फ मुंह बंद करके गुर्रा सकते थे। गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं, ये करीब 7 करोड़ साल पुराने हैं। इस बात का पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर लगभग 200 साल तक जीते थे। डीएनए केवल 20 लाख साल तक जीवित रह सकता है, इसलिए डायनासोर के जीवाश्म का डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। जो डायनासोर पानी के नज़दीक थे उनके सबसे अच्छे अवशेष मिले हैं। मांस खाने वाले डायनासोर को थेरापोड कहा जाता था, मतलब राक्षसी पंजों वाले। इनके खुर और नाखून तेज होते थे, बल्कि शाकाहारी डायनासोर के पंजे और नाखून तेज नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून के होते थे तो कुछ गर्म खून के। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून के थे। कुछ बड़े आकार वाले शाकाहारी रोज 1 टन खाना खा जाते थे, मतलब एक बड़ी बस के बंडल के बराबर, बल्कि मांसाहारी डायनासोर गर्म खून के थे। ये अपनी साइज के शाकाहारियों से 10 गुना ज़्यादा भोजन खा जाते थे। डायनासोरों की हड्डियाँ खोखली होती थी, खासकर मांसाहारी डायनासोरों की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे, और ये 2 पैरों पर चलते थे ताकि ये तेजी से भाग सकें और अपने दोनों हाथों से शिकार कर सकें। शाकाहारी डायनासोर अपने भारी शरीर को चलाने के लिए 4 पैरों पर चलते थे, ये सिर्फ कुछ समय ही अपने 2 पैरों पर संतुलन बना पाते थे। सबसे बड़े डायनासोर के अंडे बास्केटबॉल जितने बड़े होते थे, जितना बड़ा अंडा उतना ही मोटा उसका कवच, ताकि बच्चे बाहर ना आ सकें। अब तक मिले सबसे छोटे डायनासोरी अंडे की लंबाई 3 सेंटीमीटर और वजन 75 ग्राम है। ये अंडा किस प्रजाति का था किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा डायनासोरी अंडा 19 इंच की लंबाई का मिला है। ऐसा मानना है कि ये एशिया के मांसाहारी डायनासोर का है। डायनासोर की सभी प्रजातियां अंडे देती थी, अभी तक 40 प्रजातियों के अंडे मिल चुके। 45 फीट लंबे और 6350 किलो वजनी टी रेक्स सबसे बड़ी मांसाहारी डायनासोर थे। इनके पिछले पैर बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन अगले हाथ बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब आज के आदमियों जितने इनके बड़े बड़े दांत होते थे, जिनकी लंबाई जड़ समेत 10 इंच होती थी, मतलब आईपैड जितनी। इनके 4 फीट लंबे जबड़े में 50 से 60 दांत होते थे। ये काट सकते थे, लेकिन शिकार को चबाते नहीं थे, बल्कि सीधा निकल जाते थे। सभी डायनासोर में सेल्फ डिफेंस सिस्टम मौजूद था, मतलब अपनी सुरक्षा के लायक हथियार जन्म से ही उनके पास होते थे। जैसे मांसाहारी के दांत और नाखून लंबे होते थे, शाकाहारी के सींग और उनके चौड़े पंजे होते थे, लेकिन आज तक ये कोई जान नहीं पाया कि डायनासोर की पीठ पर प्लेट क्यों होती थी। अधिकतर डायनासोर सिर्फ एक हड्डी या एक दांत से खोजे गए हैं। 2015 में एक 4 साल के बच्चे ने 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर का जीवाश्म खोजा था। डायनासोर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े निकल जाते थे, ये इनके पेट में रहकर भोजन पचाने में सहायता करते थे। डायनासोर अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, लेकिन उस समय महाद्वीप एक दूसरे के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर लंबी थी, ये लंबी पूंछ भागते समय बैलेंस बनाने में मदद करती थी। मध्य चीन में ग्रामीण कई साल तक डायनासोर की हड्डियों को दवा के रूप में प्रयोग करते थे, वे इन्हें ड्रैगन की हड्डियां मानते थे। कुछ लोगों ने तो इनको इकट्ठा करके व्यापार बना लिया था। एक मिंगझांग नाम के आदमी ने 8000 किलो हड्डियां इकट्ठी कर ली थी। सबसे तेज डायनासोर थे और ऑर्निथोमाइमस, ये 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते थे। ये हूबहू आज के शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देते थे। ये खाते क्या थे आज भी रहस्य है। अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल की लंबाई 89 फीट है। इसका नाम रखा गया डिप्लोडोकस। ये अमेरिका के वियोमिंग शहर में मिला था।
सबसे छोटे डायनासोर के कंकाल की लंबाई केवल 4 इंच है और इसका वजन एक चुहिया से भी कम रहा होगा। इसे हम शॉपिंग बैग में भी डाल सकते हैं। बोलिया में चूना पत्थर की चट्टान पर डायनासोर के पांव के 5000 निशान पाए गए हैं और ये निशान करीब 6,80,00,000 पुराने हैं। ये मजेदार तथ्य है कि फिल्म का नाम जुरासिक पार्क होने के बावजूद इसमें ज़्यादातर डायनासोर क्रेटासियस काल के थे। जुरासिक पार्क फिल्म के डायनासोरों की जो आवाज़ निकाली गई है वह दरअसल सेक्स करते हुए कछुओं की आवाज़ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।